A very good evening to you, my dear students. How are you? Fine, very good. Okay, students, today we'll do lesson number 11, use of A and N. Use of A and N. Students, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि where we use A and N, you know very well ना? Okay, let's start. A is used for one object, one person. A is used for one object, one person. A कहाँ use होता है? किसी भी one object के लिए या one person के लिए use होता है. Clear? Okay. See here. A belt. यहाँ कितनी belt है? One belt है. One object it means. तो हम क्या write करेंगे? A belt. A clock, a dog, a fan, a hen, a joker, a king, a mango, a pen, a rose, a ship, and last a van. Okay, we use a when the name of the object begins with a consonant letter, and you have to keep in your mind that if any object first letter is consonant आप जानते हैं ना, a e i o u को छोड़कर जो होते हैं वो क्या होते हैं, consonant होते हैं. तो अगर कोई भी object की starting, जैसे ये object है ship, okay, ship की जो starting letter है वो क्या है, s. अगर कॉन्सोनेंट से हो रही है, बी सी डी इन सब से हो रही है, तो हम क्या राइट करेंगे, उससे पहले ए राइट करेंगे. और अगर वोवल से होगी तो उससे पहले एन राइट होगा. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, सी हियर, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड स्टार्टिंग फ्रॉम बी. एज यू नो बी इज कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई बिफोर बेल्ट वी विल राइट ए. ओके, एंड सी ऑल्सो कॉन्सोनेंट, that's why we will write a before clock. A clock it will be. Okay, clear? Okay, now come to here. N is used for one object, one person. Same N भी ऐसे use होता है, one object के लिए, one person के लिए. But इन दोनों में difference क्या है, what's the difference between them? ये difference है कि N जो use होगा वो होगा, जहाँ पर भी वोवल से स्टार्टिंग होगी. देखिए यहाँ वोवल से स्टार्टिंग हो रही है वर्ड्स की, या कॉन्सोनेंट से हो रही थी, कॉन्सोनेंट से होगी तो ए आएगा, और वोवल से होगी तो ए एन एन आएगा. यू वोवल है, ओ वोवल है, एन ओ वोवल, एन आई वोवल, एन ई वोवल, एन. क्लियर? सी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ, दिस इज एन एप्पल. ओके, एन एप्पल. एन क्यों राइट किया है? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट लेटर क्या है, ए एन एन, एन एप्पल. ओके, नाउ नेक्स्ट, एन एनिमल. एन क्यों आया एनिमल से पहले, टेल मी. यस, बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ एनिमल इज ए, एंड बिफोर वोवल वी हैव टू राइट ए एन एन. जहाँ पर भी वोवल से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उसका अगर फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू होगा यहाँ पर, तो उससे पहले हम एन राइट करेंगे. एन आंट, एन आई, एन एलिफेंट, एन एग, एन इंक पॉट, एन इग्लू, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन ऑक्स, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन एंड एन अम्पायर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका यूज ए एंड एन का. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. हियर यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स विद ए और एन. जैसे मैम ने ये फिल कर रखे हैं, ऐसे आपने भी अपनी बुक में फिल किए होंगे, बट यू हैव टू इरेज दीज वर्ड्स
इरेज दीज लेटर्स, ओके? आपको ये सब इरेज करना है, फिर से करना है अपने आप, ओके? क्लियर? दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, ओके स्टूडेंट्स? डू रीड दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन एंड डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक ओनली, ओके? टुमारो वी विल डू वर्क इन नोटबुक, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय.